कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया भर में 8.5 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में अभी तक आ चुके हैं। वहीं 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत इस वायरस के चलते हो चुकी है। ऐसे में मौत का ये आंकड़ा विश्व के कई देशों में तेजी से लगातार बढ़ रहा है। इटली में एक दिन में 837 लोग कोरोना के कारण मौत के मुंह में समा चुके हैं, जबकि अमेरिका में पिछले 24 घंटे में अभी तक सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। आपको बता दें, यहां पिछले 24 घंटे में 865 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ अमेरिका में मौत का आंकड़ा 3,889 पर पहुंच गया। स्पेन की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के संक्रमण से 748 लोगों की मौत स्पेन में हो गई है। इससे देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 8,464 पर जा पहुंची। इसके अलावा बेल्जियम में कोरोना वायरस से संक्रमित 12 वर्षीय एक लड़की की मौत हो गई। वहीं तंजानिया में कोरोना वायरस से पहली मौत होने की खबर भी मिल रही है। आपको बता दें, महामारी बन चुके कोरोना वायरस से पूरे विश्व में अब तक 42,151 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दुनिया भर में 8,57,957 लोग संक्रमित इस वायरस के पाए गए और आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ भी रहा है।